हेलो एंड वेलकम, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। खैर मकदम है, मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। सीयूसेट 2020 के रिज़ल्ट का आपको इंतज़ार है। आप में से कई लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं, एक सवाल कट ऑफ को लेकर बार बार आ रहा है, क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड किया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को ध्यान में रखकर। आप चाहें तो उस वीडियो को आई बटन को क्लिक कर देख सकते हैं। आप में से कई लोग सवाल कर रहे थे कि क्या ज़ीरो कट ऑफ में आपको चांस मिलता है एडमिशन का, क्योंकि कुछ कोर्सेज के लिए लिखा गया था कि ऑल आर इनवाइटेड फॉर काउंसलिंग। लेकिन मुझे लगता है कि आपने नोटिस के नीचे का पार्ट नहीं देखा। नोटिस के नीचे के पार्ट में लिखा था ज़ीरो या नेगेटिव मार्क्स वाले इन्वाइटेड नहीं हैं, उनको काउंसलिंग का चांस नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप किसी का भी अगर ज़ीरो आ रहा है, नेगेटिव में आता है, तो वो कभी भी उम्मीद ना रखें कि आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है कि आप में से कई लोग काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे कि 10 पे एडमिशन हो जाएगा, 15 पे एडमिशन हो जाएगा, 5 पे एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके 10 मार्क्स हैं, 11 मार्क्स हैं, तो बिल्कुल आपको होप करना चाहिए, लेकिन इसको लेकर आप ज़्यादा डैम श्योर ना हो जाएं कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा। 10 कट ऑफ का मतलब है कि 10 से ऊपर वालों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। सीयूसेट के पास भी ऐसी जानकारी नहीं है कितने लोग 10 से ऊपर लेकर आए हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ कंबाइंड हैं। मिसाल के तौर पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने 10 रखा है डेडलाइन, 10 रखा है कट ऑफ का डेडलाइन किसी भी कोर्स के लिए, हो सकता है एमएससी मैथमेटिक्स हो। कुछ 10 से ज़्यादा नंबर लाने वाले भी लोग हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी का मार्क्स 40 आया हो, 50 आया हो, 90 आया हो, तो पहले जो 90, 80, 70, 50 के रेंज में होंगे उनको मौका दिया जाएगा। हाँ, आप एलिजिबल हैं, अगर आपके 10 मार्क्स या 10 से ऊपर हैं तो आप काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। 10 या 10 से ऊपर के मार्क्स हैं तो आपको काउंसलिंग का मौका दिया जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में आप भाग ले सकते हैं, लेकिन इसके बाद की प्रक्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर सारे लोग 20 मार्क्स वाले आ जाते हैं तो आपको मौका नहीं मिल सकता है। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप निराश हो या हताश हो कि आपका एडमिशन नहीं होगा, बिल्कुल आपको काउंसलिंग का चांस मिलेगा, लेकिन आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, क्योंकि आपके सवाल लगातार आ रहे थे, मैं आपको बता दूं कि कोई भी मेरिट लिस्ट बनती है काउंसलिंग के बाद, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। अगर 90 मार्क्स वाले हैं तो 90, 89, इस तरह से डिसेंडिंग होते होते वो 10 तक आएगी। तो 90 से लेकर अगर 20 या 15 तक अगर सीट्स ख़त्म हो जाते हैं, वैकेंट नहीं रहते हैं, तो आपको एडमिशन का चांस नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको सेकंड मेरिट लिस्ट में चांस मिले, लेकिन फिर भी आपको होपफुल रहना है, आप बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक रहिए। आपके जो भी मार्क्स हैं, आप कट ऑफ या कट ऑफ से ऊपर हैं, तो आप बिल्कुल काउंसलिंग के लिए जाइए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे लोग जो सोच रहे हो कि मेरे मार्क्स कम हैं, मैं नहीं जाऊँगा या नहीं जाऊँगी, तो ऐसे लोग अगर सब लोग नहीं जाएंगे तो फिर तो ज़्यादा ही सीट्स वैकेंट रह जाएंगी, तो फिर सबको चांस मिल जाएगा जो लोअर मार्क्स के हैं। तो आपके जितने भी मार्क्स हैं, आप बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी प्रक्रिया बताई है। उस वीडियो को आप आई बटन को क्लिक कर देख सकते हैं, इससे आपको जानकारी हो जाएगी कि आपको आगे क्या करना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल का आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि कोई भी नया वीडियो, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन सीयूसेट के रिगार्डिंग आप मिस ना कर जाएं। थैंक्स अ लॉट, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर सीयूसेट 2020 एडमिशंस।